हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कृष्ण। आई एम कंसल्टेंट ENT हेड एंड नेक सर्जन बेस्ड इन दिल्ली। आई एम को कन्वेनर एट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सो आज हम वीडियो बनाएंगे। नॉर्मली हम मरीजों के लिए वीडियो बनाते हैं या फिर ENT रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के लिए वीडियो बनाते हैं। आज हम एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है प्राइवेट प्रैक्टिस का, उसको उस पर कर रहे हैं कि जो एंसिलरी स्टाफ्स होते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, जैसे राइट फ्रॉम रिसेप्शनिस्ट, राइट फ्रॉम जो नर्सिंग स्टाफ होती हैं, जो ENT OPD में एज अ अटेंडेंट, एज अ नर्सिंग स्टाफ काम करती हैं, हमें प्रोसीजर्स में असिस्ट करती हैं, उनको मतलब बेसिकली जब हॉस्पिटल, आई एम ऑल्सो MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सो एंड आई एम ऑनर्स इन दैट, आई वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर। सो एक बहुत कॉमन एस्पेक्ट बताएंगे एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, कि OPD इज़ द शॉपिंग विंडो इन द हेल्थ केयर सेक्टर। OPD इज़ कॉल्ड, पेशेंट का फर्स्ट कांटेक्ट होता है डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, हेल्थ केयर से, जनरली OPD के थ्रू होता है, चाहे वो इलेक्टिव OPD हो, चाहे वो इमरजेंसी OPD हो। सो ये है। और OPD से ही एक डॉक्टर्स की इमेज या फिर एक हॉस्पिटल की इमेज बनती है। सो जो OPD में स्टाफ है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि हॉस्पिटल और पेशेंट का, जो पेशेंट के माइंड में जो हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर्स का इमेज बनाना, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसेप्शनिस्ट का। बेसिकली ये वीडियो रिसेप्शनिस्ट या स्टाफ के एस्पेक्ट से है, नॉट फ्रॉम हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे रिसेप्शन के स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन करें एंड ऑल। तो जो मैं ये बताऊंगा रिसेप्शनिस्ट को, सबसे पहले तो कॉमन रिसेप्शन होता है, कई क्या होते हैं डेडिकेटेड हॉस्पिटल होते हैं कि ENT हॉस्पिटल ही है या आई हॉस्पिटल है ऐसे, बट जो वीडियो में ये बता रहा हूँ ये कॉमन, नॉर्मली ऐसा होता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, अलग अलग के OPD प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं। तो जो भी न्यू डॉक्टर ज्वाइन करें आपको ट्रैक रखना है। जनरली जो भी न्यू डॉक्टर प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हैं, आपके ऑफिस में एक नोटिस आ जाएगा, आपको ट्रैक रखना है न्यू डॉक्टर का। न्यू डॉक्टर जैसे ज्वाइन करें आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना है, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस इज़ एवर इवॉल्विंग, हमेशा लाइफ में लर्निंग का। आप भले आप 30 साल से उसी हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट रहे हो, बट आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया एस्पेक्ट, हर एक नया डॉक्टर आपको नया कुछ सिखा के जाएगा। और मेडिकल साइंस इवॉल्व रहे तो जो यंगस्टर्स होते हैं उनको काफ़ी कुछ नई चीज़ें पता होती है, जो यंग डॉक्टर्स होते हैं जो अभी फ्रेशली पास आउट होते हैं, फ्रेशली ज्वाइन किए हों उस हॉस्पिटल में यंग। आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर रखना है, कुछ भी डाउट हो कभी भी आप उनसे व्हाट्सएप करो। डॉक्टर्स कभी, इसलिए हॉस्पिटल स्टाफ से सबसे अच्छा बिहेवियर होता है डॉक्टर्स का। आई हैव सीन कि डॉक्टर्स कभी, क्योंकि मतलब डॉक्टर्स को भी पता है कि हॉस्पिटल स्टाफ भी बहुत ज़रूरी है, अगर स्टाफ के साथ वो अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि आप उन्हें और टाइम में भी व्हाट्सएप करोगे वो रिप्लाई कर देंगे चीज़ों के। कभी भी कोई क्वेरी हो आप व्हाट्सएप करो, कोई इमरजेंसी क्वेरी हो, वो ड्यूटी पे हो, वो OPD में बैठे हों, या उनका OPD पेशेंट आया हो वार्ड में हो या कहीं और हो, यू कैन कॉल देम। और कभी मत हेजिटेट करो, इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर रखो हमेशा। ऑफिशियल रूट से, लैंडलाइन से कॉल करना पॉसिबल नहीं होता, मोबाइल नंबर रखो। दूसरी चीज़, उनका अगर व्हाट्सएप नंबर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का सेम होता है, अगर नहीं है कोई दूसरा तो व्हाट्सएप नंबर भी रखो। ये हो गया रिसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी है या वो डॉक्टर जो प्रोसीजर करते हैं, जब भी डॉक्टर ज्वाइन करें तो आप उनके पास, उनके OPD में जाओ जब वो थोड़े फ्री हों, उनसे बताओ कि हमारे सपोज उस डिपार्टमेंट में एक ही डॉक्टर है, मान लो ENT डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है। वो बोलो पहले वाले डॉक्टर ये प्रोसीजर करते थे, ये रेट लिस्ट है, आप देख लो एक बार, कोई और प्रोसीजर आप करते हो कॉमनली या फिर, तो उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपकी लिस्ट अपडेटेड होगी। हो सकता है फिर वो डॉक्टर कभी कोई नया प्रोसीजर लिख के भेजे पेशेंट के, तो पेशेंट को आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आए कि इसकी बिलिंग करानी है, तो आपको डाउट नहीं होगा, आप उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जब भी कोई पूछेगा, आप सामने पूछोगे, तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट का 1 मिनट भी वैल्यूड होता है। प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेटअप में एक चीज़ बोला जाता है कि पेशेंट का सिंगल सेकंड की वैल्यू आपको करनी है, देन देन यू विल इफ़ यू आर वैल्यूइंग अ सिंगल सेकंड ऑफ पेशेंट, देन योर हॉस्पिटल विल ग्रो एवरी सेकेंड बाई मेनी फोल्ड। सो ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल भूली जाती है। तो आपको वहाँ पे पेशेंट को, ताकि जल्दी से बिलिंग हो जाए, तो पेशेंट का वेटिंग टाइम कम रहेगा और जल्दी जाके प्रोसीजर करेगा, पेशेंट फ्री होगा। ये आपको, और एक अच्छा फीडबैक देते हैं पेशेंट। आजकल सब कुछ गूगल एंड ऑनलाइन रिव्यूज़ के थ्रू गवर्न होता है, कुछ भी अगर बैड फीडबैक भी होता है देते हैं तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपका, कितना बिजनेस अफेक्ट हो जाता है। दूसरा चीज़, ये सर्जिकल ब्रांच है,
मैं स्पेशली केयर टेकर वगैरह जो जो सिस्टर होती हैं जो ओपीडी में पेशेंट की एंट्री मॉनिटर करती हैं और देखती हैं और डॉक्टर को असिस्ट करती हैं, उनसे बोलूँगा कि ये सर्जिकल ब्रांच है तो कई बार आपके डॉक्टर्स जो होते हैं और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स स्पेशली जो यंग डॉक्टर्स होते हैं वो एक हॉस्पिटल जाते नहीं, वो मल्टीपल हॉस्पिटल जाते हैं तो कई बार लेट हो जाते हैं। तो यू शुड नो हाउ टू मीन्स, बट इसमें दो एस्पेक्ट्स है, एक तो पेशेंट को कैसे समझाना है और डॉक्टर से कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको कितना टाइम लगेगा। सो आप व्हाट्सअप कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ डॉक्टर ड्राइव करके आ रहे हैं वगैरह, तो वो हो सकता है कई बार ट्रैफिक में फंसे हो या कुछ भी हो, तो मतलब, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं पता है, डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है, या फिर मोस्ट ऑफ डॉक्टर तो बता देते हैं, मान लो फ़ोन नहीं लग रहा था, आप बोल दो शायद, मतलब यू कैन टेल टू द पेशेंट लाइक कि टाइम लग रहा है, डॉक्टर नॉर्मली इस टाइम तक, अप्रॉक्सीमेटली उनका टाइम इस टाइम तक आ जाते हैं, आज नहीं आ पाए, मे बी ट्रैफिक में फंसे हूँ, स्पेशली दोपहर और इवनिंग के ओपीडी के इन समय ट्रैफिक होती है, या फिर मॉर्निंग 10 बजे की, यानी 10 से 3 में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, 11 से 3 वाले, लेकिन 10 से अगर ओपीडी है या फिर इवनिंग ओपीडी है, 5 से 7 8 वाली ओपीडी में जनरली ट्रैफिक होते हैं काफ़ी, मैं भी काफ़ी बार फंस जाता हूँ ट्रैफिक में। और ये मैं वीडियो डॉक्टर्स एस्पेक्ट से नहीं बना रहा हूँ, डॉक्टर एस्पेक्ट से मैं बनाऊंगा कि इस सिचुएशन में आप कैसे इन्फॉर्म करो, ताकि कई बार क्या होता है पेशेंट कंप्लेन कर देता है, एमएस पे चल जाता है, तो उस स्टेज तक जाने ही मत दो, कोशिश करो, और स्पेशली आप यंग डॉक्टर्स हो तो पेशेंट के लिए थोड़ा अवेलेबिलिटी अपनी ज़्यादा रखो, सो दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। दूसरी चीज़, सर्जिकल ब्रांच है, आप ऑपरेट कर रहे हो, बिजी हो गए हो, सो ऑलवेज जैसे कि कोई भी स्टाफ होता है उनकी ओटी में आप केस कर रहे हो, स्टाफ से बोल दो कि सिस्टर को एक बार कॉल कर दो या हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दो जो भी चीज़ है। और मैं स्पेशली नर्सिंग स्टाफ के लिए बोलूँगा कि नर्सिंग स्टाफ, और हाँ रिसेप्शन के लिए एक और चीज़ बोलूँगा, आजकल कोई भी डॉक्टर्स होते हैं अपने यूट्यूब चैनल होते हैं, आप उनके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा, फ्री टाइम में आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई काम नहीं है, आप बोर हो रहे हो, सो आप वो रिसेप्शन वो डॉक्टर के वीडियो देखोगे तो आपको पता रहेगा डॉक्टर नए प्रोसीजर्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको आइडिया होगा। हाँ एक बार आपको इनिशियली जब वो ज्वाइन करेंगे, हो सकता है वो डॉक्टर लाइफ लॉन्ग के लिए ज्वाइन करे, या एटलीस्ट 2-3 साल 4 साल ज्वाइन करे रहेगा, सो उसके जो प्रोसीजर्स होंगे वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा, आपको आइडिया होगा, आप पेशेंट को प्रॉपरली काउंसिल कर पाओगे, क्योंकि कई काफ़ी डॉक्टर ना पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाते हैं, जैसे मेरे भी यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे लगभग 430-440 वीडियोज़ हैं, जिसमें से 120 वीडियोज़ पेशेंट के लिए, बाकी मेरे ENT रेजिडेंट्स के लिए काफ़ी अलग अलग वीडियोज़ हैं, और मैं MBBS डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी वीडियो है। ये है हमारा जो वीडियोस होता है वो अगर आप देखोगे तो आप पेशेंट को प्रॉपरली काउंसिल कर पाओगे। पेशेंट कभी कभी क्या होता है रिसेप्शन में बिलिंग करा के आता है, तो पूछता है कि ये प्रोसीजर में ये तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा, था डॉक्टर ने समझा होता है, लेकिन पेशेंट की कई बार पेशेंट फॉरगेटफुल होते हैं, भूल जाते हैं, तो ये आपको एज अ रिसेप्शन पे बैठ के करोगे तो हॉस्पिटल का एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और कहीं ना कहीं देखो आप ईमानदारी से काम करोगे, भले आपको अच्छा पे नहीं मिल रहा है लेकिन हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज करता है, अगर ये हॉस्पिटल नहीं रिकॉग्नाइज किया दूसरा हॉस्पिटल आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेगा, वो आपको अच्छे पैकेज पे हायर कर लेगा, दिस इज़ द थिंग। तो काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं मैं देखा, और हाईली डिमोटिवेटेड होते हैं, बोलते हैं पैसे नहीं मिलते, आप अच्छा काम तो करो, पैसे तो ये कंपनी नहीं तो दूसरी कंपनी आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके आपको अच्छे पे हायर करेगी, तो दैट इज़ द थिंग। नर्सिंग स्टाफ के लिए मैं बोलूँगा कि आप सेम चीज़ नर्सिंग स्टाफ स्पेशली करें, ताकि जो भी डॉक्टर्स प्रोसीजर्स करते हैं वो आपको पता हो, फ्री टाइम में आप देख लो, आपको आइडिया होगा, आप बेटर असिस्ट कर पाओगे। तो और कुछ भी चीज़ हो, कोई भी नई चीज़ हो, आप जाके घर में पढ़ो, मेडिकल साइंस का एक सिंपल सा रूल है, डॉक्टर्स सभी लोग करते हैं, करना भी चाहिए, कि कोई भी नई चीज़ हो पढ़ो जाके, और थोड़ा ध्यान से अपने अटेंटिव होके देखो चीज़ें, ऑब्जर्व भी करो जो डॉक्टर लिख रहा है, जो डॉक्टर बोल रहा है, एक डॉक्टर के साथ आप असिस्ट करते करते आप काफ़ी कुछ सीख जाते हो, कि ये डॉक्टर ऐसे, ये पैटर्न ऑफ प्रैक्टिस है उनकी, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखो, बेसिक चीज़ों का, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और स्टरलिटी का ध्यान रखो, सर्जिकल ब्रांच है तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, पेशेंट को प्रॉपर काउंसिल करो, कोई पेशेंट गुस्सा हो रहा है या कुछ भी है तो आपको पेशेंट को प्रॉपर काउंसिल करना है, अच्छे से काउंसिल करना है कि नहीं, और पेशेंट थोड़ा कई काफ़ी डॉक्टर्स ये होते हैं, पेशेंट क्या होता है हमारी कंट्री में एक आदत होती है पेशेंट को कि लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते, तो उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी पुअर होती है, टाइम जो टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं लास्ट में आएंगे जब डॉक्टर को उठने का टाइम होता है, तो ये चीज़ ध्यान दो। रिसेप्शन स्पेशली मैं रिसेप्शन वालों को बोलूँगा कि डॉक्टर्स को उठने से 5 मिनट पहले OPD की न्यू रजिस्ट्रेशन बंद कर दो, क्योंकि एक पेशेंट को देखने में 5-6 मिनट लग ही जाता है प्राइवेट प्रैक्टिस में, सो आपको ये ध्यान देना है, नहीं तो अनलेस क्या होता है डॉक्टर को दूसरे हॉस्पिटल में जाना है,
और या तो 5 मिनट पहले, अगर 9 मान लो 9 से 10 डॉक्टर बैठते हैं, 9:55 पेशेंट आता है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, नई ओपीडी बनाए क्या, मतलब कोई ओपीडी न्यू पेपर बनाया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पेशेंट क्या होता है, और हमारे ENT जैसे स्पेशलिटीज में जहाँ पे काफ़ी हमारा डायग्नोसिस, काफ़ी मैनेजमेंट हमारे एंडोस्कोप और कैमरा वगैरह से होता है, जिसको असेंबल करना, फिर डिसमेंटल करके अपने एग्जामिनेशन बैग में डाल के फिर ले जाना, ये टीडियस प्रोसेस है। तो डॉक्टर का जब टाइम खत्म होने से 5 मिनट पहले ही डॉक्टर डिसमेंटल कर लेते हैं। अगर डिसमेंटल कर दिए तो फिर आप ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन ओपीडी रजिस्ट्रेशन मत करो, ये एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर्स को भी बोलूँगा कि आप ये चीज़ अपने जिस भी हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ के रिसेप्शन, वहाँ के स्टाफ को ये चीज़ बता दो। नर्सिंग स्टाफ को बोलूँगा आप वीडियोज देखो, प्रोसीजर समझो, आप ताकि बेटर असिस्ट कर पाओगे। और कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी बार डॉक्टर्स क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें आपको भी धीरे धीरे करने को देते हैं, दैट विल इनक्रीज, आप हाईली मोटिवेटेड रहो, चीज़ें करो सो अच्छा रहता है। कई बार क्या होता है, वर्कलोड भी हम इस तरह से मैनेज कर पाते हैं। पेशेंट को काउंसलिंग, नर्सिंग स्टाफ का बहुत बड़ा रोल होता है काउंसलिंग करना, प्रिकॉशन समझाना। तो प्रिकॉशंस में क्या क्या समझाना होता है, इसके मैं काफ़ी चार्ट्स वगैरह डॉक्टर से बोलूँगा कि आप रखे रहो अपने ओपीडी में, वो नर्सिंग स्टाफ के, ताकि नर्सिंग स्टाफ बेटर उसको अपडेट रख पाए। और वीडियोज़ अपने यूट्यूब पर नर्सिंग स्टाफ को बोलो कि देखे। और मैं डॉक्टर्स को भी बोलूँगा कि जैसे डॉक्टर्स, काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनके यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं, तो यूट्यूब वीडियो पेशेंट वेटिंग एरिया में उनकी ओपीडी के पहले प्ले कर दो। और जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जैसे कि डॉक्टर्स का यूट्यूब चैनल वगैरह, इसके बारे में आप भी जानो। और जब डॉक्टर पेशेंट ओपीडी पेपर बनाया या कोई प्रोसीजर का बिलिंग कराया, आप बता दो कि इसके प्रिकॉशन डॉक्टर्स के, ये रिसेप्शन के लोगों को बोल रहा हूँ कि इसकी प्रिकॉशन डॉक्टर के यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हो, दैट इज़। तो ये मतलब बेसिकली क्या होता है कि मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही सब कुछ करता है, डॉक्टर के बिना कुछ, मतलब डॉक्टर ही सब कुछ करेगा, डॉक्टर किसी और की हेल्प लिए बिना बहुत कुछ एकदम परफेक्ट काम कर सकेगा, नहीं है। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, रिसेप्शन, पैरामेडिकल स्टाफ, सब कुछ। और जब हम एज अ टीम काम करते हैं तो पेशेंट मैनेजमेंट भी अच्छा होता है और हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू ऑल दिस सजेशंस। मुझे आशा है आप सब ये फॉलो करोगे। और कोई भी किसी भी हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, जिनकी कोई क्वेरी है, माय नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ वीडियो। आपको जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे से फ़ोन पे बात करना है, कुछ पर्टिकुलर क्वेरी है, सो यू आर हाईली वेलकम्ड। आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर लो, एक पर्टिकुलर टाइम ले लो, जब मैं फ्री हूँ मैं बिल्कुल आई एम रेडी टू टॉक टू एनी वन, जब भी उनकी कोई क्वेरी हुई ENT रिलेटेड या फिर कुछ भी। थैंक यू।